हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और हमारे इधर तो नेटवर्क अभी 5-6 दिन का बंद था और मैं बिल्कुल व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाया था। और व्लॉग आज ही अपलोड किया था मैंने, जो पहले मैंने एडिट करके रखा हुआ था ऑलरेडी, और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया था, लेकिन उसको मैंने अनलिस्ट में रखा हुआ था, तो उसको पब्लिक सुबह ही किया मैंने। तो व्लॉग मैंने अभी सुबह अपलोड कर दिया, एक व्लॉग और मैंने एडिटिंग करके रखा हुआ है, उसको मैं कल अपलोड करूँगा। और ये व्लॉग उसके दूसरे दिन आएगा, तो ये लेट आएगा, उसके लिए सॉरी। और हमारे राजस्थान में कुछ कांड हो गया था, किसकी हत्या हो गई थी, तो इसलिए 5 दिन के लिए नेटवर्क बंद था। तो कोई मतलब राजस्थान में जो भी यूट्यूबर है वो कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाए। तो अभी तो हम लोग खेत पर आए हैं और आगे से आगे व्लॉग हम अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करेंगे। और खेत पर आकर कुछ काम करते हैं, अभी नहाते हैं। वैसे मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसको भी मैंने शेव करवा लिया, तो अभी खेत पर काम करेंगे, थोड़ा बहुत नहाएंगे धोएंगे, फिर बाद में और आपको अच्छी अच्छी तरीके से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और आसपास के गांव में तो बहुत ज़्यादा से तगड़ी सी बारिश हो रही है, तगड़ी। वहाँ पर गिला बिल्कुल सूख नहीं रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर हाका जो वो भी बिल्कुल ही हाक रखा है, वो भी बिल्कुल ही सूखा ही पड़ा हुआ है। और क्या बताऊँ आपको, चलते हैं अभी खेत में। गाइस, आप इस खेत में देख सकते हो कि जो हम लोगों ने पहले कपास के पौधे बोए थे वो उग चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं, दो दो तीन तीन पत्ते आ गए उनके, और थोड़ा बहुत पानी था उनको यूज़ किया था। और ये कपास के पौधे तो हो रखे हैं, बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही, आपको बताया था पहले, तो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से उगे हुए हैं। यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छोटे छोटे हैं बिल्कुल ही, तो अभी दिखाता हूँ बैक कैमरा चालू करके। ये है कपास के पौधे, ये देखिए इस तरीके से पूरे खेत में है, पूरे खेत में उगे हुए। तो गाइस, पौधे उगे हुए उनको आपने देख लिया होगा, आपको दिखाया अभी। और अभी बारिश का मौसम हो तो रहा, इतने दिनों से 5-6 दिनों से बारिश का मौसम हो तो रहा, लेकिन थोड़े बहुत छींटे आकर रुक जाती है वापस, बिल्कुल मतलब तगड़ी वाली नहीं आती। एंड वैसे हमारे जो गांव पास में है कारोई, छोटे मोटे गांव और बड़े बड़े, तो वहाँ पर बहुत ही तगड़ी आ रही है बारिश। जो हमारे रिश्तेदारी में है उनसे फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी इस वक्त भी बारिश हो रही है उधर, लेकिन हमारे इधर आप देख सकते हो बिल्कुल छींटे भी नहीं आ रहे। मौसम तो हो रखा है लेकिन छींटे नहीं आ रहे, तो क्या होगा बारिश का, फसल होगी भी या नहीं होगी, तो बारिश पर डिपेंड है। ये हमें बांध रहा हूँ फली, ये कांटे से बनी होती है। ओके, चलता हूँ दूसरे खेत में, वहाँ पर हमको मतलब वो जिस तरीके ये रोपने हैं, इसको थोर बोलते हैं, वो गाड़ने हैं जमीन में गड्ढा खोद के। तो गाइस, थोड़े बहुत छींटे आने लगे हैं और ये बारिश ज़बरदस्त आएगी या नहीं आएगी हमें पता नहीं है, तो थोड़ी देर बाद में देखते हैं बारिश आएगी या नहीं आएगी ज़बरदस्त। चलो अभी तो खेत में काम करते हैं। गाइस, ये है हमारी बकरियाँ और ये बैठे हैं दादाजी। दादाजी ऐसे बोलो राम राम, जोर से बोलो राम राम। सो गाइस, फाइनली हम खेत में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो हम अभी गड्ढे खोद रहे हैं इस तरीके से, जैसे ये है ना ऐसे ही यहाँ पर भी रोपेंगे गड्ढा खोद के। और इस खेत में आपने अगर पहले का व्लॉग नहीं देखा हो तो देख लेना, इसमें जब बारिश हुई थी और पानी था तब यहाँ पर मक्की वक्की बो रखी थी, तो तभी आपको दिखाया था इस खेत को। ये दोनों खेती हमारे हैं, देख सकते हो आप लोग, ये खेत भी हमारे ही हैं। तो अभी ये काम करते हैं, छींटे भी आ रहे थोड़े बहुत, अगर माहौल बना तो बारिश वापस आ जाए तो बढ़िया ही है, तो चलते ये काम करते हैं। ओके, sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent, why do I try?
भाई शोल्डर रोप रिया आगे आगे अन्न थोड़ा गड्ढा करना और बना। सो गाइज एक अचानक एक प्लान बना कि हमारे एक दूसरे गांव में रिश्तेदारी में चूरमा बाटी का आज प्रोग्राम है, तो आज हम चूरमा बाटी खाने जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग हाईवे पर जा रहे हैं, अभी गाड़ी स्पीड पर चल रही है, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है मेरे को पता नहीं, आप सुन लेना। तो अभी गाड़ी पापा चला रहे हैं और कन्हैया वो कुछ बातें बता रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, बोल रहे हैं कि हाथ पैर टूट जाते हैं गाड़ी धीरे चलाया कर, वो भी चलाता है ना। सो गाइस देखिए आप लोग इधर पहाड़ों में देखिए कितना ज़बरदस्त हरियाली हो रखी है, इधर बारिश हुई थी इसलिए इतना सुहावना मौसम और हरियाली हो रखी है, देख सकते हो आप। सो गाइस इधर है ये पेट्रोल पम्प, इधर पहले हम लोग डीजल लेने आए थे, पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने। सो गाइज अभी एंटर कर चुके हैं टोल गेट के पास में, इधर से होके जा रहे हैं, आप देख सकते हो टोल गेट का नजारा। नहीं वो यार भाई वो गली वो उधर जा रही है, गली कौन जाओ वो ब्रिज जाना। तो अभी ब्रिज के नीचे से टनल से होके जाएंगे उस रोड पर, उस रोड से रास्ता है हमारे जो मतलब गांव है ना उधर, उस रोड से इधर जा रहे हैं अभी, इधर आ गया रास्ता, इधर जाएंगे अभी। सो गाइज अभी वापस आ चुके हैं और रात हो गई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।